Hello everyone, in this video we will know about indefinite integrals and its formulae. सबसे पहले हम बात करें कि integration क्या होता है. The process of finding the antiderivative is called integration. आप differentiation करते हैं तो derivatives मिलते हैं, उसका antiderivative जो निकालते हैं वो antiderivative निकालने का process ही कहलाता है integration. फॉर एग्जाम्पल सपोज कैपिटल एफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, आप इसको डी दैट मीन्स डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का आपको नया एक्सप्रेशन मिलता है सपोज स्मॉल एफ एक्स. नाउ अब ये जो डिफ्रेंशिएशन या डेरिवेटिव रिजल्ट आया है कैपिटल एफ एक्स का, इसका स्मॉल एफ एक्स का हम फिर से इंटीग्रेशन करेंगे. ये जो साइन है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रल या इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स. इस एफ एक्स यह है इंटीग्रैंड जिसका कि इंटीग्रेशन किया जा रहा है. इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी के बगल में जो वेरिएबल है बताता है कि इस इंटीग्रैंड का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है. तो ये जो कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव जो आया है स्मॉल एफ एक्स, ये हमारा इंटीग्रैंड है, इसको हम इंटीग्रल इंटीग्रेशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वापस हमको ओरिजिनल फंक्शन कैपिटल एफ एक्स मिल जाएगा. दिस साइन इज कॉल्ड एन इंटीग्रल साइन. और हम इसको पढ़ते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस डिफ्रेंशिएशन का ठीक उल्टा है, इनवर्स है, तो इसके फॉर्मूले भी उसी ढंग से लिए गए हैं. हम जानते हैं कि डिफ्रेंशिएशन कॉन्स्टेंट का जीरो होता है, तो इंटीग्रेशन के प्रोसेस में इंटीग्रल जो आंसर आता है उसमें एक आर्बिट्ररी अपने मन से लिया हुआ एक इंटीग्रल कांस्टेंट सी लगा देते हैं, बिकॉज द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट सी इज जीरो. तो हर आंसर में आप इंटीग्रेशन रिजल्ट जो आएगा उसमें एक इंटीग्रल कांस्टेंट, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगा दिया करेंगे. अब जैसे हम डिफरेंशिएशन में ढेर सारे फॉर्मूले देखे थे, वैसे ही इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के ढेर सारे फॉर्मूले हैं जो डिफरेंशिएशन के ठीक उल्टे हैं. इसमें हम देखें दोनों इस टेबल में दोनों कॉलम बना हुआ है. अगर हम x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 को डिफरेंशिएट करें तो 1 अपॉन n प्लस 1 तो बाहर रहेगा, इसके डिफरेंशिएशन में सामने आएगा और पावर एक कम होगा. जो सामने आया n प्लस 1 वो नीचे वाले से कट जाएगा, इसमें एक कम करने के बाद x टू द पावर n है, वही हमारा आंसर बचेगा. अगर x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन ऐसा है तो x टू द पावर n को जब हम इंटीग्रेट करेंगे x टू द पावर n का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वापस हमको ओरिजिनल फंक्शन मिलेगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और एक इंटीग्रल कांस्टेंट हम लगा देंगे. दैट मीन्स अगर हम x स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो इस फार्मूला से पावर एक बढ़ जाता है ऊपर में 2 प्लस 1 और उसी बात से आप उसको डिवाइड कर दोगे 2 प्लस 1, दैट मीन्स एक्स क्यूब बाय 3 और एक इंटीग्रल कांस्टेंट आप लगा देंगे आंसर में. तो हमें याद रखना होगा जैसे डिफरेंशिएशन में x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन याद रखे थे n सामने x टू द पावर n माइनस 1, वैसे ही उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, पावर एक बढ़ जाएगा n जो भी है n पावर में और उतने से वो डिवाइड भी होगा. अगेन ये दोनों कंपेरेटिवली बता रहे हैं, हमको ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद रखने हैं. x का x के टर्म में डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे या कोई भी कांस्टेंट 2 3 4 a b c जो भी रहेगा x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो उस कांस्टेंट में x लग जाएगा. यहां कुछ नहीं है 1 है तो 1 into x आया हुआ है, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट तो लगाना ही है. तो कांस्टेंट x का x की पावर में डिफरेंशिएशन 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन 1x, और कांस्टेंट के इंटीग्रेशन में कांस्टेंट इनटू जो जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करेंगे वो वेरिएबल लग जाएगा. e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन नो चेंज रहता है e टू द पावर x, तो उसका इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x e टू द पावर x ही आएगा, नो चेंज, इंटीग्रल कांस्टेंट हम लगा ही देते हैं. हमें पता है log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, सो 1 by x का इंटीग्रेशन log x, a टू द पावर x
अपॉन लॉग ऑफ ए टू द बेस ऑफ ए, इसका डिफ्रेंसिएशन ए टू द पावर एक्स होता है। सो ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन वापस वो वैल्यू आएगा ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ ए टू द बेस ऑफ ई। माइनस कॉज एक्स का डिफ्रेंसिएशन प्लस साइन एक्स, सो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉज एक्स, सो कॉज एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स साइन एक्स, टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, सो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, माइनस कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन कोसेक स्क्वायर एक्स, अगर ये प्लस में रहे तो माइनस इसमें लगता है, तो वापस कोसेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट हमारा माइनस कॉट एक्स होगा। वैसे ही सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन वी नो दैट सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा सेक एक्स, कोसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कोसेक कॉट होता है, खुद इसमें माइनस हो तो ये प्लस में रहेगा, तो कोसेक कॉट का इंटीग्रेशन हमारा माइनस कोसेक एक्स होगा। ये कॉट और टेन का लॉग के टर्म में और सेक और कोसेक का लॉग के टर्म में आप याद रखेंगे, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉज एक्स, सेक एक्स का लॉग ऑफ सेक प्लस टेन एक्स मॉड में है ये वैल्यू, और कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कोसेक वाले में कोसेक कॉट है बीच में माइनस, सेक के इंटीग्रेशन में सेक प्लस टेन है लॉग के साथ लेकिन बीच में प्लस, टेन का लॉग में माइनस माइनस लॉग कॉज एक्स, कॉट का प्लस लॉग साइन एक्स। इसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन देखें फंक्शन ऑफ फंक्शन से करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा, जैसे लॉग साइन एक्स का वन बाई साइन एक्स, साइन एक्स का फिर करेंगे कॉज एक्स, तो कॉज बाई साइन कॉट बनता है, इसलिए कॉट का लॉग के टर्म में ये इंटीग्रेशन रिजल्ट है। तो वैसे ही दूसरे डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में जैसे आपको याद हो साइन इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएशन होता है वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे जब एक्स के रिस्पेक्ट में तो वापस साइन इनवर्स एक्स मिलेगा। सिमिलरली कॉज इनवर्स एक्स का साइन की तरह रिजल्ट केवल साइन का अंतर है, तो माइनस वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कॉज इनवर्स एक्स होगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स, बिकॉज टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, कॉट इनवर्स का सेम रिजल्ट माइनस में, सो माइनस दिस मच का इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो सेक इनवर्स एक्स आएगा, कोसेक इनवर्स एक्स का सेक इनवर्स की तरह रिजल्ट है बस साइन अलग है माइनस, तो माइनस दिस मच अगर रहे तो इसका आंसर कोसेक इनवर्स एक्स, या हम बोले इसका सेक इनवर्स एक्स या माइनस कोसेक इनवर्स एक्स दोनों रिजल्ट लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स या माइनस कॉट इनवर्स एक्स दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स की जगह एक्स अपॉन ए हो तो इसका डिफ्रेंसिएशन आता है वन अपॉन रूट हाफ ओनली एक्स रहता वन माइनस एक्स स्क्वायर बोलते, यहां ए भी है तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, माइनस के साथ आया तो कॉज इनवर्स एक्स बाई ए, टेन इनवर्स एक्स का अभी देखे थे वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन रहता है, यहां ए स्क्वायर है तो वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए का और डिफ्रेंसिएशन है, तो इसका इंटीग्रेशन वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए होगा, अंतर ये यहां वन नहीं है ए स्क्वायर है, अगर ये माइनस साइन के साथ आ जाए तो वन बाई ए कॉट इनवर्स एक्स बाई हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वन बाई ए सेक इनवर्स एक्स बाई ए, माइनस साइन से आता है तो वन बाई ए कोसेक इनवर्स एक्स बाई ए, तो ये सारे डिफ्रेंसिएशन के फार्मूले का इनवर्स आपका इंटीग्रेशन फार्मूला नजर आ रहा है, ये सारे इंटीग्रेशन फार्मूले अगर हम ध्यान में रखते हैं तो ही आगे हमका हमारा इंडेफिनेट इंटीग्रल और आगे डेफिनेट इंटीग्रल में भी हम फार्मूला के अकॉर्डिंग रिजल्ट रख पाते हैं। तो सबसे पहला टारगेट है हमारा कि हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के सारे फार्मूले याद रखें, नोट डाउन कर लें एक जगह पे, और आगे बनाते बनाते जो टफ लगे वो धीरे धीरे हमसे याद हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनको अप्लाई करते हुए क्वेश्चंस करेंगे, इस वीडियो में फार्मूला ही, इसे आप नोट डाउन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।